नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज जो NEP का CCS यूनिवर्सिटी जो है उसने NEP BA BSc BCom के रिज़ल्ट निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को रिज़ल्ट देखने से पहले हैप्पी होली। तो हम चलते हैं कि रिज़ल्ट जो CCS यूनिवर्सिटी ने निकाला है उसे हम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पर, वहाँ हम टाइप करेंगे CCSU NEP रिज़ल्ट। NEP रिज़ल्ट टाइप करने के बाद हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, CCS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिज़ल्ट की, वो CCSURESULT.com खुल जाएगी। तो इस पर पहले ही लिंक पे हमें क्लिक करना है। CCSU यूनिवर्सिटी जो है उसने रिज़ल्ट कल ही निकाला है, कल शाम के आसपास। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर रिज़ल्ट पेज पे। यहाँ पे हमको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ओड इवन, रेगुलर प्राइवेट, डिक्लेयर रिज़ल्ट और CCS यूनिवर्सिटी मेन वेबसाइट। तो हमें चारों में से सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओड इवन सेमेस्टर रिज़ल्ट 2021 एंड 2022। इस पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे रिज़ल्ट के जो पेज है, जहाँ पे हम अपना रोल नंबर एंटर करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ऊपर भी लिखा हुआ चल रहा है कि काइंडली एंटर योर रोल नंबर एंड क्लिक टू रिज़ल्ट व्यू। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर भरेंगे। मैं एक लड़के का रोल नंबर भर रहा हूँ, जिसका जो रोल नंबर है वो कुछ इस प्रकार है। जो रोल नंबर होता है वो सबका एक जैसा ही होता है, कुछ लास्ट के अंक जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, बाकी एक जैसा ही होता है सबका। तो मैं रोल नंबर जो है भर रहा हूँ। रोल नंबर भरने के बाद अब मैं करूँगा, आपको इन सभी में से सिर्फ एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसका नाम है रिज़ल्ट व्यू NAG NEP। इसी पे जब आप क्लिक करेंगे तभी आपका रिज़ल्ट शो होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं इन सबसे क्लिक कर दिया है, तो जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। इसके बाद जो आपको क्लिक करना है, इसके अभी रिज़ल्ट जो है ये दो सेमेस्टर में हुए हैं, दो सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है दोनों का। कि आपने जो जानते हैं कि NEP जो है वो दो सेमेस्टर वाइज हो गई है, पहले जो ईयरली होता था अब सेमेस्टर वाइज हो गया। तो यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने दो और लिंक खुलेंगे। पहला लिंक जो होगा सेमेस्टर वन का होगा और दूसरा होगा सेमेस्टर टू का। तो अगर हम सेमेस्टर वन का रिज़ल्ट देखना चाहें तो सेमेस्टर वन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने रिज़ल्ट जो है खुल जाएगा। इसके बाद अगर हमें BSc सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट देखना है तो हम सेकेंड सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक इसी प्रकार आप BA BCom और BSc जो तीनों NEP हैं उनका रिज़ल्ट देख सकते हैं, और सभी जो NEP के अंदर आते हैं उन सबका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था कि आप कैसे रिज़ल्ट देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।